subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए, जो डीले की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे विनोद सर हैं, इनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ये वाली कविता जो है ना, हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन अभी बस एक रिमाइंडर है कि एक्चुअली तूफानों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो जो श्रेय है, वो जो क्रेडिट है, वो एक्चुअली सर को जाता है। सर ने कभी गिव अप नहीं किया। हाँ, हमारे बहुत सारी अड़चनें आई, मुश्किल हालात पैदा हुए थे फिल्म को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब इस फिल्म की बेहतरी के लिए हो रहा था। जो भी हो रहा था बहुत मैजिकल था, और डे वन से हमने जब से ये फिल्म शुरू किया है तब से लेकर अब तक, इस फिल्म में जो चीज़ आपको हमेशा महसूस होगी वो ये होगी कि हर किसी ने बहुत ही सोलफुल तरीके से काम किया है। फिल्म तो बनाई है, कमर्शियली बनाई है, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही अच्छा मैसेज है, और उस चीज़ की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप ने ली है, जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए सही समझा। ये पहले इंसान थे जो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे मिलते ही बस यही कहा कि आप ही हैं साक्षी मिश्रा। तो वो मुझे भी नहीं एहसास था कि मेरे अंदर साक्षी मिश्रा है, उन्होंने देखा, इनका विजन था। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो वो है एक गंभीर विषय, जो गंभीर विषय जो हमारे समाज में है उसको छेड़ने की शायद मैंने हिमाकत करी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर समाज में कुछ गलत चल रहा है तो उसके ऊपर पब्लिक का एज ए मेकर हमें ध्यान केंद्रित कराना है। तो ये आए दिन ये सब चल रहा था, लव जिहाद सब सुनते थे, सारी चीज़ें सुनते थे, सरकार ने भी इस पर कानून बनाया। तो फिर ऐसा लगा कि सरकार इतनी गंभीर है तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को पब्लिक तक पहुँचाया जाए, लोगों तक बताया जाए कि ये क्या है। फिर इसके हमने स्टडी करी, स्टडी के बाद में मालूम पड़ा कि विषय वाकई गंभीर है। हम नहीं कहते, हम तो सरकार के शब्दों को कह रहे हैं, जो शब्द लव जिहाद या जो चीज़ें हैं हमारी सरकार ने जो कहा वो शब्द सरकार के, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें जब मालूम पड़ा, वो मालूम पड़ा कि फोर्सफुल कन्वर्जन। देखिए, हमारे संविधान, भारत एक विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर हर किसी को अपनी मर्जी से प्यार करने का अधिकार है, किसी भी धर्म किसी मजहब में वो शादी कर सकता, प्रेम कर सकता है। लेकिन कभी जब वो वही प्रेम अगर वो साजिश बन जाए या फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए इतना कुछ प्रेशर किया जाए, वो गलत है। और फिर उस कैसे उस मतलब एक लड़की को जो केस, इतने केस देखने के बाद में, स्टडी करने के बाद में जो मालूम पड़ा कि कैसे लड़कियों को मतलब प्रताड़ना दी गई, कैसे लोग फंसे। प्रेम बहुत कोमल चीज़ है, प्रेम एक माता होती अपने पुत्र से करती है, पुत्र एक जो होता है वो अपनी माता से करता है, भाई बहन आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी भी प्रेम करते हैं, और एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आज का चलन है वो भी प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, प्रेम शब्द ही ऐसा है। तो सिर्फ उस प्रेम को जो कलंकित करते हैं जो समाज में, उसको कहीं ना कहीं हमने उठाने की कोशिश की है कि प्रेम को पवित्र ही रहने दें, कलंकित ना करें। हाँ, देखिए, ऑब्जेक्शन हुआ, लोग कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, और उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है कोर्ट में जाना। अगर कोई बात 140 करोड़ का देश, मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी 140 करोड़ में से 40 करोड़ को भी संतुष्ट कर पाऊंगा। तो विरोध तो करने वाले होते हैं, लेकिन इसका न्याय करने वाले क्या दिखाना नहीं दिखाना है वो CBFC का अधिकार है, जो कि एक केंद्र सरकार की एक बॉडी है। और जहाँ तक बात है विरोध करने की, तो विरोध हुआ और उन्होंने फिर कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है मत देखिए, जैसा कई बार कहा गया है। तो हुआ विरोध का सामना, वहाँ से भी क्लियर हुआ। देखिए, पहली चीज़ जो प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल। तो सर ने जब मुझे कहानी सुनाई और उन्होंने जब सुनाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने साक्षी मिश्रा को उसी वक्त महसूस कर लिया था, और पूरी शूटिंग बनारस में हुई है, तो आपको पता है मेरा होम टाउन बनारस ही है। तो मेरे लिए सोचिए कितना सरियल लगता होगा मुझे सब कुछ, कि मतलब जिस जगह पे मैंने हमेशा सपने देखे कि मैं बॉम्बे शहर में जाकर फिल्म करूं, काम करूं, उन्हीं गलियों में मैं शूट कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। फिर रही बात साक्षी मिश्रा की, तो इस फिल्म में कहीं भी मैंने ग्लिसरीन का प्रयोग नहीं किया है। आप पूरी फिल्म में जब भी देखेंगे, मुझे याद है सर गाना बजा देते थे और मैं रोती रहती थी, और सर मुझे एक्चुअली बोलते थे कि विंध्या कट, एंड हमारे सेट पर सभी रोने लगते थे, क्योंकि इस लड़की को सबने महसूस किया है और मैंने इसकी आत्मा को महसूस किया। और मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा बहुत सेंसिटिव है और कैमरा हर चीज़ पकड़ता है, तो अगर आप सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ किसी कैरेक्टर को जीते हैं तो अपने आप वो चीज़ कनेक्ट करेगी ही करेगी, देयर इज़ नो डाउट टू इट।
तो बस हम चाहते हैं कि हर कोई, क्योंकि ये फिल्म हमारी देश की बेटियों के लिए समर्पित है, आपने देखा भी होगा #SaveOurDaughters, तो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। जैसा कि सर ने कहा कि प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी फिल्म प्यार करना सिखाएगी लोगों को, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि छल के साथ किया जाए वो गलत है और उसके खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और इसीलिए हम पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये फिल्म लेकर आ रहे हैं कि हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई गलत डिसीजन लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है। और साक्षी मिश्रा कैसे उसको सुलझाएगी वो भी आप देखेंगे कि कैसे एक, हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इस फिल्म में बकायदा वैसा आपको दिखेगा। देखिए, अगर मैं ना हमेशा, एक तो सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्ट आंसर देना बहुत पसंद है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ, जी सर हमेशा आपको बताया आपको बताया ही नो सर तो क्या है कि देखिए मैं ना एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को कोई मीडियम रोक नहीं सकता, और चाहे आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दो मैं उसी सच्चे दिल से उसी शिद्दत के साथ करूँगी, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, कहीं भी आप खड़ा करो। तो मैं ये नहीं मानती कि ऐसा हो गया, अब टीवी है तो मैं फ़िल्म करने लगी तो मैं सोचूं कि मतलब वो जो एक सफ़र था ऐसा नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो किसी भी मीडियम पर सीख सकते हैं, और टीवी ने मुझे पेशेंस सिखाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई है वो पेशेंस। तो वो जब मैंने सीखा है वो यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, और टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं हमेशा उसके शुक्रगुजार रहूँगी कि आज उसकी वजह से आज मैं जो भी इस फिल्म में कर पाई, उस कैरेक्टर को जी पाई। तो वो लेयरिंग जो होती है कैरेक्टर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्सपीरियंस आती है। एक बात तो सर बिल्कुल सत्य बोली लड़की ने, क्योंकि ये मेरी वाकई मेरी बेटी है एकदम, वाकई के लोग कहते भी हैं कि आपकी बेटी है ना उनके। हाँ अच्छा, जो टीवी की बात करें, टीवी में क्या है कि मैंने भी इतनी टीवी किया, 18-20 सीरियल किया, तो टीवी में लोग कहें ना कि गली सरे नासू और लगा रहिए, पूरी फिल्म में इतनी इंटेंस फिल्म में कहीं भी इसने गलीस का इस्तेमाल नहीं किया, एक सेकंड होता था वो थॉट में। तो वो प्रोसेस शायद टीवी में ऐसा नहीं होता है, अब ये फिल्म में होता है, अभी फिल्म वाली हो गई है तो टीवी की नहीं है ये मैंने अभी रिसेंटली एक और फिल्म साइन की है, बहुत जल्द उसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर एक और फिल्म है, तो काफ़ी फिल्म अभी, और वेब सीरीज़ तो आपको पता ही, अभी एग्जिट आई थी मेरी तो वो तो कर ही लिया, अब ये फिल्म है और काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, तो बस अच्छी बात है। मतलब बस यही चाहती हूँ कि 22 अप्रैल को सब लोग ये फिल्म ज़रूर 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 देखें, और आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा हो जाता है कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच पाती है। सो यस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू।